नमस्कार, मैं हूँ प्रज्ञा धराधर। 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने डिजिटल भुगतान प्रणाली पर लगने वाले भुगतान को लेकर मुंबई के एक कार्यक्रम में कहा है कि सरकार का यह मानना है कि डिजिटल भुगतान प्रणाली से आम लोगों को सहूलियत मिल रहा है, इससे जनता का भलाई हो रहा है, इसलिए जरूरी है कि यह सेवा आम लोगों को मुफ्त में मिलती रहे। हम डिजिटलीकरण के माध्यम से उच्च स्तर की पारदर्शिता हासिल करना चाहते हैं। कौशल विकास योजना में हुए भ्रष्टाचार को लेकर नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने नीतीश सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि श्रम संसाधन विभाग के बिहार कौशल विकास मिशन कार्यक्रम के तहत 2016 में युवाओं को प्रशिक्षण देने के लिए नॉलेज पार्टनर के रूप में MKCL पुणे का चयन किया गया था, जहां प्रशिक्षण के बाद युवाओं को रोजगार की जानकारी देने के लिए प्लेसमेंट पोर्टल का भी प्रावधान था, लेकिन 3 वर्षों तक इनका कोई प्रावधान नहीं कर करोड़ों रुपए प्राप्त किए गए और जनवरी 2020 में पोर्टल खोला गया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने शनिवार को कहा कि राहुल गांधी की कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में वापसी के लिए प्रयास किया जाएगा, क्योंकि पार्टी में उनके अलावा कोई ऐसा नहीं है जिसकी पैन इंडिया अपील हो। बता दें कि लोकसभा चुनाव में पार्टी को लगातार दूसरा बार हार कर सामना करने के बाद राहुल गांधी ने साल 2019 में कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में पद छोड़ दिया था, जिसके बाद सोनिया गांधी ने फिर से अंतरिम अध्यक्ष के रूप में पार्टी की बागडोर संभाली। रविशंकर प्रसाद ने राजद पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि लालू की पार्टी जब सत्ता में आती है तो बिहार में खौफ का राज कायम हो जाता है, लेकिन भाजपा मजबूती से खड़ी है, कार्यकर्ता और जनता के साथ संघर्ष करेंगे, बिहार को विश्वास दिलाएंगे कि 1990 का बिहार नहीं बनने देंगे। जब से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साथ छोड़ा, पूरी भाजपा जमीन पर उतर आई है। आजाद के इस्तीफे पर मांगी गई प्रतिक्रिया के जवाब में मनीष तिवारी ने कांग्रेस नेतृत्व पर सीधा निशाना साधा। उन्होंने कहा कि चुनाव दर चुनाव मिल रही करारी पराजय के बाद आत्मनिरीक्षण की सलाह को यदि कांग्रेस नेतृत्व से माना होता तो वरिष्ठ कांग्रेसी नेता गुलाम नबी आजाद का इस्तीफा टाला जा सकता था। भारतीय राजनीति में केंद्रीय किरदार निभाने वाली कांग्रेस और भारत के परस्पर समन्वय में आई दरारें और अब स्पष्ट देखी जा सकती है। बिहार के ग्रामीण कार्य विभाग में तैनात एक कार्यपालक इंजीनियर संजय कुमार राय के किशनगंज और पटना स्थित ठिकानों पर करोड़ों का कैश बरामद हुआ है। इस दौरान घर से करीब 5 करोड़ रुपए नकद बरामद हुए। इसके अलावा भारी मात्रा में गहने और अन्य कीमती सामान भी मिलने की संभावना है। बता दें कि किशनगंज में संजय राय के आवास पर निगरानी के 14 अधिकारी मौजूद है। राजस्थान सरकार के लोक सेवा आयोग की तरफ से इंजीनियरिंग के विभिन्न पोस्ट पर 118 भर्तियां निकाली गई है। आवेदन के लिए राजस्थान लोक सेवा आयोग की आधिकारिक वेबसाइट rpscrajasthan.gov.in पर जा सकते हैं। इसकी शुरुआत 29 अगस्त से होगी, जो 27 सितंबर तक चलने वाली है। भारत के दिग्गज कारोबारी मुकेश अंबानी ने दुबई में एक आलीशान बीच साइड बंगला खरीदा है। इस विला की कीमत $80 मिलियन है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाम जुमेरा बीच पर इस संपत्ति को इस साल की शुरुआत में मुकेश अंबानी के सबसे छोटे बेटे अनंत अंबानी के लिए खरीदा गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिवसीय प्रवास पर अपने संसदीय क्षेत्र लखनऊ पहुंचे हैं। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री की जमकर तारीफ की है। उन्होंने कहा कि हमारे सामने जब भी 2G, 3G, 4G, 5G स्पेक्ट्रम की बात आती है तो हम कांग्रेस के समय के घोटाले की याद आती है, लेकिन आप आश्वस्त रहना, जब तक हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं तब तक कोई घोटाला नहीं कर सकता। एशिया कप 2022 का आगाज आज से हो रहा है। आज पहला मुकाबला श्रीलंका और अफगानिस्तान के बीच खेला जाएगा। श्रीलंका और अफगानिस्तान के बीच होने वाला मुकाबला शाम 7:30 बजे से शुरू हो जाएगा और उम्मीद है वही भारतीय टीम का मुकाबला कल होगा और उम्मीद है कि मुकाबला काफी रोमांचक रहेगा। शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे ने सीएम एकनाथ शिंदे के गुट पर अपना हमला तेज करते हुए उन्हें गद्दार बताया है। वहीं शिंदे गुट ने ठाकरे परिवार के किसी सदस्य को निशाना नहीं बनाने का संकल्प तोड़ते हुए आदित्य ठाकरे को युवराज करार दिया। असंतुष्ट विधायकों ने विधानसभा सत्र के आखिरी दिन विधान भवन की सीढ़ियों पर बैठकर बैनर दिखाए। उन पर लिखा था, युवराज रास्ता भटक गया है। भारतीय रेलवे का भविष्य कही जाने वाली वंदे मातरम ने एक ट्रायल रन के दौरान 180 किलोमीटर प्रति घंटे की गति सीमा को तोड़ दिया। वीडियो शेयर करते हुए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ट्विटर पर लिखा, वंदे भारत 2 की स्पीड ट्रायल कोटा नागदा सेक्शन के बीच 120, 130, 150 और 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से शुरू हुआ। आपको बता दें कि इस ट्रेन की क्षमता 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की है। पाकिस्तान ने कहा कि वह जंग से तबाह अफगानिस्तान को मानवीय सहायता के रूप में शेष 15,000 मीट्रिक टन गेहूं को भेजने की समय सीमा बढ़ाने के भारत के अनुरोध पर विचार कर रहा है। भारत से 2,500 टन गेहूं की मानवीय सहायता की पहली खेप 26 फरवरी को, 2,000 मीट्रिक टन गेहूं 3 मार्च को, 8 मार्च को अटारी वाघा सीमा के रास्ते 40 ट्रकों में 2,000 मीट्रिक टन गेहूं की तीसरी खेप अफगानिस्तान भेजी थी।
राजधानी दिल्ली में शुक्रवार सुबह से जम्मू कश्मीर के नेताओं की बैठक के बाद जम्मू कश्मीर के नेताओं की बैठक गृह मंत्री अमित शाह के घर पर हुई, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के बीजेपी नेताओं से चुनाव के लिए तैयार रहने को कहा। इसके अलावा उन्होंने जम्मू कश्मीर में पार्टी को मजबूत करने के लिए पार्टी में युवाओं और बुद्धिजीवियों को जोड़ने के लिए भी पार्टी नेताओं को निर्देश दिया है। कांग्रेस पार्टी से अलग होने के बाद गुलाम नबी आजाद ने कहा कि वह जम्मू कश्मीर में अपनी नई पार्टी बनाएंगे। जम्मू कश्मीर के नेता अमीन भट्ट गुलाम नबी आजाद से मुलाकात की है। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि कई अन्य नेताएं गुलाम नबी आजाद से मुलाकात करने पहुंचेंगे और अपने समर्थन देंगे। मैं 2 बार विधायक रहा हूँ, यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष भी रहा हूँ। मैं भी आजाद साहब के हित में इस्तीफा दे रहा हूँ। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने ऐलान किया है कि सरकार माल परिवहन के सभी माध्यमों के लिए एकल लॉजिस्टिक कानून लाने की दिशा में काम कर रही है। माल ढुलाई से जुड़े सभी माध्यमों के बीच प्रक्रियागत एक रूपता लाने और उसे सरल बनाने के लिए सरकार एक लॉजिस्टिक कानून लाने की कोशिश कर रही है। ऐसा करने से प्रक्रियाओं के दोहराव को रोका जा सकेगा। ऑनलाइन सोशल कॉमर्स प्लेटफॉर्म मीशो ने भारत में अपना ग्रोसरी बिजनेस बंद कर दिया है। इस वजह से करीब 300 कर्मचारियों को जॉब से निकाल दिया गया है। वर्तमान में मीशो के सुपर स्टोर्स कर्नाटक सहित तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्यों में है। मौजूदा समय में सुपर स्टोर के नाम से चलने वाले ग्रोसरी बिजनेस सिर्फ नागपुर और मैसूर में चल रहे हैं। तमिलनाडु की दिवंगत मुख्यमंत्री जयललिता की मौत से जुड़ी जांच रिपोर्ट सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति अरुमुगुस्वामी ने सूबे के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन को सौंप दी है। बता दें कि यह रिपोर्ट 590 पन्नों की है। जयललिता साल 2016 में बीमार पड़ी थी, जिसके बाद चेन्नई के अपोलो हॉस्पिटल में इलाज चला था, जहां 5 दिसंबर 2016 को उनका निधन हो गया। कहा जा रहा है कि उनकी मौत इलाज में लापरवाही के कारण हुई। अत्योदय और पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को मुफ्त राशन बंद किए जाने पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वायनाड सांसद राहुल गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा, बेतहाशा महंगाई से जूझती मध्यम वर्ग की जनता तो कटौती करके जैसे तैसे जी रही है, लेकिन गरीब जनता अब 2 वक्त की रोटी के लिए भी तरसेगी। मुफ्त राशन और धन्यवाद मोदी जी के बड़े बड़े पोस्टर एक बार फिर सिर्फ चुनावी झमूले साबित हुए हैं। मित्रों की सरकार को देश की जनता की कोई फिक्र नहीं है। भारतीय नौसेना अब 100% देश में विकसित हथियारों का इस्तेमाल करेगी। बता दें कि भारतीय नौसेना देश की एक कंपनी द्वारा विकसित 30 मिलीमीटर हाई एक्सप्लोसिव बंदूक का इस्तेमाल करने वाली है। यह आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत की गई पहली पहल है। इन हथियारों का उत्पादन नागपुर के सोलर ग्रुप के इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड द्वारा किया गया है। स्वर्ण मंदिर में श्री गुरु ग्रंथ साहिब का पहला प्रकाश पर्व रविवार को मनाया जाएगा। पूरे देश के विभिन्न जगहों से पहुंचे 300 से अधिक कारीगर दिन रात स्वर्ण मंदिर को सजाने में जुटे हुए हैं। इस साल गोल्डन टेंपल को 115 किस्म के स्वदेशी व आयात किए गए 110 टन फूलों के साथ सजाने का काम शुरू हो चुका है। कोलकाता, नई दिल्ली, नेदरलैंड, थाईलैंड और सिंगापुर से आयात किए गए फूलों की कीमत 4 से 5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। भारत का केंद्रीय बैंक RBI इसी साल डिजिटल करेंसी पेश करेगा। ऐसे में यह एक लीगल टेंडर होगी। आम मुद्रा की तरह ही इसमें क्रय शक्ति होगी। यह सामान्य मुद्रा के साथ लेन देन में भी सामान्य तरीके से प्रयुक्त हो सकेंगे। इसके उपयोग से भ्रष्टाचार में कमी आएगी। डिजिटल करेंसी को कागजी या धातु के रूप में छापा नहीं जा सकता है। इसे सामान्य मुद्रा के साथ बदला भी जाएगा। देश की अग्रणी वाहन विनिर्माता कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया के चेयरमैन RC भार्गव ने भारत एवं जापान के बीच की साझेदारी को सफल बताते हुए कहा है कि मुझे लगता है कि मारुति सुजुकी और कुछ अन्य क्षेत्रों में हमें देखने को मिली भारत जापान साझेदारी धीरे धीरे मजबूत हो रही है। अब अधिक संख्या में जापानी कंपनियां भारत में निवेश के लिए दिलचस्पी दिखा रहे हैं और वे भारतीय कंपनियों से साझेदारी कर रही है। भारत के जूडो खिलाड़ी लिथोई चनम्बम ने कैडेट विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली भार वर्ग या उम्र की पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई है। उन्होंने सराजेवो में चल रही प्रतियोगिता में महिलाओं के 57 किलोग्राम भार वर्ग में ब्राजील की बिनाका रेईस को 1-0 के अंतर से हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इससे पहले उन्होंने एशिया चैंपियनशिप भी जीती थी। बीते दिन प्रकाश राज ने बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान और उनके परिवार को सपोर्ट किया था, जिसके बाद ट्रॉलर्स ने उन्हें स्वरा भास्कर का मेल वर्जन कह दिया है। इस पर करारा जवाब देते हुए प्रकाश राज ने लिखा, स्वरा भास्कर का मेल वर्जन कहलाना मेरे लिए सम्मान की बात है, लेकिन तुम किसके वर्जन हो, सिर्फ पूछ रहा हूँ। स्वरा ने अभिनेता के ट्वीट को रीट्वीट कर लिखा, सर आप अभी तक के बेस्ट वर्जन हो। अब आप व्हाट्सएप के जरिए भी बैंकिंग सुविधा पा सकते हैं। बता दें कि SBI, HDFC और ICICI समेत बैंक ऑफ बड़ौदा और एक्सिस समेत तमाम मशहूर बैंक अब इस प्लेटफॉर्म पर उतर चुके हैं। यहां आप अपने खाते से जुड़ी जानकारियों के अलावा क्रेडिट कार्ड, ऋण और अन्य सेवाओं के बारे में अतिरिक्त जानकारी हासिल कर सकते हैं। इसके इस्तेमाल से आपको बैंक जाने की जहमत नहीं उठानी पड़ेगी।
केआरके ने फिल्म लाइगर को लेकर अपना रिव्यू दिया है। उन्होंने विजय देवरकोंडा को एनाकोंडा कहकर पुकारा और अपनी राय शुरू की। 9 मिनट 43 सेकंड के वीडियो में उन्होंने एक्टर को इसी नाम से पुकारा है। लीड एक्ट्रेस के बारे में बात करते हुए केआरके ने कहा, अनन्या का तो सबको पता ही है कि वो कितनी टैलेंटेड लड़की है, अपनी जीभ से अपनी नाक को टच कर लेती है। IRCTC ने तमाम विवादों के बाद फैसला लिया है कि अब कंपनी अपने ग्राहकों के डेटा का मोनेटाइजेशन नहीं करेगी। अधिकारियों ने शुक्रवार को कहा कि प्राइवेसी पर गहन चिंता करने के बाद यह फैसला किया गया है। IRCTC ने शुक्रवार को सूचना प्रौद्योगिकी पर संसद की स्थायी समिति को बताया कि टेंडर को वापस ले लिया गया है। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने हाल ही में गिरफ्तार तेलंगाना विधायक टी राजा सिंह से जुड़े अभद्र भाषा के विवाद पर प्रतिक्रिया व्यक्त की और कहा कि यदि आप हिंसा के बारे में बोलते हैं तो कानून अपना काम करेगा। यह एक खुला रहस्य है कि भाजपा विधायक टी राजा सिंह की मदद कर रही है। यह अभद्र भाषा हैदराबाद में भाजपा द्वारा एक सर्जिकल स्ट्राइक थी। मैं यहाँ के लोगों को बधाई देता हूँ। हैदराबाद के लोगों ने भाजपा के सर्जिकल स्ट्राइक को नाकाम कर दिया है। झारखंड में चल रहे सियासी घमासान के बीच शनिवार को सीएम हाउस में महागठबंधन के विधायकों की बैठक पूरी हुई। इसके बाद विधायकों को सीएम हाउस से 2 लग्जरी बसों से कहीं और शिफ्ट किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि बसों में कांग्रेस और झामुमो के विधायक सवार हैं। विधायकों को खूंटी के लतारतु जाने की सूचना है। इसके साथ ही सीएम हाउस की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया था। जिन्होंने भी हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है नन्नू कुमार, रविशंकर, अजीमा फिरदौस, सबाहत निशा, अशोक कुमार प्रजापति, संतोष यादव, पवन पांडे, सचिंदर भंडारी। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, झारखंड में उत्पन्न हुए नए राजनीतिक संकट को आप किस तरह से देखते हैं? आप अपने जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।